आदिवासी पार्टी के उद्घाटन में उपस्थित तमाम बिल्वदेश के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। साथ ही बिल्वदेश में शहीद हुए हमारे मन्नारे जगदीश भाई पांडे को भी इस डूंगरपुर की धारा से नमन करती हूँ। आज 70-75 साल हो गए कांग्रेस बीजेपी जो पार्टियां थी वो बारी बारी से राज करती आ रही थी और आज हमारे ST SC OBC माइनॉरिटी गरीब दलितों के साथ में जो भी शोषण एवं अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए वो कभी तैयार नहीं थे, तो आज तो उनका बाप तैयार हो गया है, वो बाप हमारी सुरक्षा करेगा और आगे इस पार्टी के माध्यम से हमें हमारे जो बिल प्रदेश की मांग है तो आज पार्टी का आग्रह तो हो चुका है, अब बिल प्रदेश बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा, वो कहना चाहूंगी। आज बीजेपी कांग्रेस के कुछ भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ लोगों को इकट्ठा कर करके भीड़ करते हैं, उनके पास पैसा है तो वह भीड़ करते हैं, पर आदिवासियों में और इस देश के मूल मालिकों में वह ताकत है कि आज भीड़ में ही भिड़ने वाले लोगों की ताकत उन्होंने दिखाई है, वो कहना चाहूंगी। इसलिए आज से यहाँ से इस धरती से आप सभी बिल प्रदेश के जो तमाम साथी है वो प्राण लेके जाए कि मरते दम तक इस पार्टी के माध्यम से हमारे ST SC माइनॉरिटी के साथ में जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान हम सभी मिलके करेंगे, वह प्राण लेके जाना होगा आपको। और आपको कहना चाहूंगी कि हमारी अभी विधानसभा का सत्र जो सीटें हैं दंगे की चोट पे निकल जाएगी, वो मैं यहाँ से कह के जा रही हूँ आपके बीच में। तो कांग्रेस बीजेपी में जो गुना निकल रहे जो बैठे उनसे कहना चाहूंगी कि अब भी वक्त है, संभल जाइए, तुम्हारा बाप जो कि अभी आ गया, वो कहना चाहूंगी मैं उनसे। इसलिए आप सभी लोग कंधे से कंधा मिला के गली गली गांव गांव सारे शहरों में भारत आदिवासी पार्टी जो है उसका प्रचार प्रसार कर दीजिए और हमारे खिलाफ जो भी आज दिन तक आवाज नहीं उठा रहे हैं उनको वह विधानसभा से बिल्कुल हट जाए कर दीजिए, वो मैं कहना चाहूंगी यहाँ से। तो इसलिए आज यहाँ पे तमाम महिलाएं बैठी हैं और जो भी बिल प्रदेश के साथी हमारे बीच में पहुंचे हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग अभी अपनी जमीन जिंदा है और अभी अपना अंतिम घड़ी में अंतिम समय में आप सभी जा चुके हैं, वो कहना चाहूंगी। तो अभी आप सभी को अपने लिए अपने हक के लिए लड़ना होगा। आज ये जो भारत आदिवासी पार्टी जो है वह हमारे जो अनुच्छेद जो भारत के संविधान में जो 244(1) के तहत हमारी पांचवी एवं छठी अनुसूची में हमारे यहाँ का अधिकार जो है वह आज दिन तक उन्होंने लागू नहीं किया है, तो यहाँ से यह पार्टी जो है वह सत्ता में जाके वह लागू करवाने का काम करेगी, वो मैं कहना चाहूंगी। इसके साथ में ही पूरा महिला मोर्चा जब तक आदिवासी पार्टी चलेगी तब तक उनके साथ में रहेगा, तो महिला मोर्चा जो है वो भी आपसे कंधे से कंधा मिला के चलेगा, वो भी मैं कहना चाहूंगी मंच के माध्यम से। और लास्ट में एक नारा बोल दीजिएगा, जो जमीन सरकारी है हमारी है। तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है मेरी, जोर से बोलो, हाथ खड़ा करके